दोनों न्यूज़पेपर में अपना लंच रोल करने से एल्युमिनियम फॉयल्स तक हमने काफी लंबी दूरी तय कर ली है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एल्युमिनियम, जो कि लोहे की तरह ही एक मेटल है, उसे कैसे इतनी पतली शीट्स में बदल दिया जाता है कि वो आपके हाथों से ही क्रश हो जाए? कैसे बनते हैं फैक्ट्री में ये एल्युमिनियम फॉयल के रोल्स, आज यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। एल्युमिनियम फॉयल को बनाने की शुरुआत बड़े बड़े एल्युमिनियम इनगोट्स या ब्लॉक्स को एक नेचुरल गैस की भट्टी या फर्नेस में डालकर की जाती है। इस भट्टी में एल्युमिनियम के साथ साथ जिंक, टाइटेनियम और सिलिका को भी मिक्स किया जाता है और जब तापमान 660 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तब धीरे धीरे एल्युमिनियम बाकी मटेरियल्स के साथ मिक्स होना शुरू कर देता है। इस भट्टी में ये 2000 किलो एल्युमिनियम 6 से 8 घंटों तक रहता है, जिस बीच इसका तापमान 750 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इस पिघले हुए एल्युमिनियम मिक्स में एक छोटे से पोर्शन को लेकर एक सांचे में डाला जाता है, जिसके ठंडा होने के बाद ये जांच की जाती है कि सभी मेटल्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं या नहीं। इसके बाद भट्टी से एल्युमिनियम को निकालकर एक टेपिंग वेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर कुछ स्पेशल प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर की इंप्योरिटीज को फिल्टर कर लिया जाता है। इसके बाद इसे पानी की मदद से ठंडा कर लिया जाता है और हमारे सामने एक 45 सेंटीमीटर मोटा और 4.4 मीटर लंबा बड़ा सा एल्युमिनियम ब्लॉक रह जाता है। इस भारी भरकम ब्लॉक को क्रेन्स की मदद से उठाकर स्पेशल प्लेट्स के ऊपर रखा जाता है, जो इसकी सरफेस से 3 mm की लेयर को अलग कर देती है, ताकि सरफेस की सभी इम्प्योरिटीज भी चली जाएं। अब बारी आती है इस ब्लॉक को पतली पतली फॉइल्स में बदलने की। इसके लिए इस एल्युमिनियम ब्लॉक को कई सारे मूविंग रोलर्स के ऊपर रखा जाता है और ऊपर से एक और रोलर इसे लगातार प्रेशर डालकर क्रश करता रहता है। प्रेशर के कारण इस रोलर का तापमान काफी ज्यादा होता है और 450 से 540 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एल्युमिनियम के पिघलकर रोलर्स पर चिपकने के डर से बचने के लिए हर बार इन रोलर्स को पानी और ऑयल के एक लिक्विड मिक्स से ठंडा किया जाता है। 45 सेंटीमीटर मोटा ये ब्लॉक धीरे धीरे पतला और ज्यादा लंबा होने लगता है। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि इस ब्लॉक की थिकनेस 5 सेंटीमीटर न पहुंच जाए। कन्वेयर बेल्ट की मदद से इस ब्लॉक को आगे मिलिंग स्टेशन तक भेजा जाता है, जहां इसकी थिकनेस 5 mm हो जाती है। इसके बाद ये इतना पतला हो जाता है कि इसे एक बड़े से रोलर में रोल कर लिया जाता है। इसके बाद ये एक कोल्ड रोलिंग मिल में पहुंचता है, जहां इसे और पतला किया जाता है। पर अब परेशानी ये है कि एल्युमिनियम इतना पतला हो चुका है कि इसके टूटने का डर लगा रहता है। इसी वजह से इसे डबल करके रोल किया जाता है, ताकि ये सही सलामत रहे। एक लिक्विड कूलेंट की मदद से एल्युमिनियम को रोलर्स पर चिपकने से बचाया जाता है। अब हमारी फॉइल लगभग बनकर तैयार है, लेकिन परेशानी ये है कि इतनी बार रोल और अनरोल होने के कारण इसकी एजेस पर स्ट्रेस पड़ने लगा है, जिससे वो मुड़ गई है। एक ऑटोमेटेड नाइफ की मदद से इस रोल की 1 सेंटीमीटर तक की साइड एजेस को काट कर अलग कर लिया जाता है, जिसे बाद में दूसरा रोल बनाने के लिए रिसाइकल कर लिया जाएगा। हमारे पास जो फाइनल रोल बचता है वो आगे पैकेजिंग के लिए जाता है। एक पैकेजिंग मशीन सबसे पहले कार्डबोर्ड से बना एक सिलेंडर लेती है और उसके इर्द गिर्द इस एल्युमिनियम फॉइल को रोल करती है। रोल होने के बाद इस फॉइल को काट लिया जाता है और ये पूरा रोल एक बॉक्स में पैक कर दिया जाता है, जहां से आप इसे जरूरत के हिसाब से निकाल सकते हैं। ये थी आपके और हमारे घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली एल्युमिनियम फॉइल की कहानी। लेकिन आप किस और नए प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग चैनल पर देखना चाहते हैं, आप चाहें तो हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।